हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार आज आप सब बच्चों के सामने में एक नया चैप्टर लेकर के आ रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है अक्षरों का महत्व। अक्षर, वही अक्षर जो अक्षर शब्द बनाते हैं, वही अक्षर जिनके बने शब्दों से वाक्य बनता है और जिन वाक्यों से कहानियाँ बनती हैं, पैराग्राफ्स बनते हैं। अगर ये जो वाक्य नहीं होंगे, ये सेंटेंसेस नहीं होंगे, तो हम आप एक दूसरे से बातें कैसे करेंगे? तो इन अक्षरों का हमारे ज़िंदगी में क्या महत्व है? ये जो लेटर्स होते हैं ना, ABCD हिंदी में, क ख ग घ य र ल व, ये जो सारे अक्षर हैं, ये जो वर्णमाला है, इनका क्या इम्पोर्टेंस है? आखिर ये अक्षर बने कैसे हैं, कब से हैं हमारी ज़िंदगी में, और अक्षरों की मदद से हम क्या-क्या कर पाते हैं? अगर अक्षर नहीं होते तो दुनिया का क्या हाल होता? यही सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, आज के चैप्टर में, जिसका नाम है अक्षरों का महत्व। एक और बात, ये जो चैप्टर है अक्षरों का महत्व, ये NCERT का सिलेबस फॉलो करने वाले उन बच्चों के लिए है जो क्लास 6 की पढ़ाई कर रहे हैं CBSE बोर्ड से। उनकी हिंदी की किताब वसंत का चैप्टर नंबर 5। वैसे तो ये जो चैप्टर है, ये एक तरह का एसे है, एक तरह का निबंध है, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि आखिर इन अक्षरों का विकास कैसे हुआ, इन अक्षरों की मदद से हमारी भाषा में क्या परिवर्तन आया है, और किस तरह से हम लोगों ने पढ़ना लिखना, किताबें छपवाना सीखा। और अगर किताबें नहीं होती तो, और अगर अक्षर नहीं होते तो, है ना? अच्छा, इस चैप्टर के जो लेखक हैं उनका नाम है गुणाकर मूले। गुणाकर मूले, उन्होंने बच्चों के लिए साइंस के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में बहुत सारी और भी किताबें लिखी हैं, बहुत सारे और भी लेख लिखे हैं, जिसके बारे में मैं कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज का हम लोग ये लेक्चर शुरू करते हैं, जिसका नाम है अक्षरों का महत्व। तो अक्षरों की कहानी, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं, तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। तरह तरह के अक्षर का मतलब है कि अगर हमारे पास में पुस्तक अलग अलग भाषाओं की है, अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखी है, हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, तो अलग अलग अक्षर होंगे ना। एक और बात, आजकल तो अक्षरों के फॉन्ट भी अलग अलग होते हैं। जितने तरह के राइटिंग के स्टाइल हो सकते हैं, मेरी हैंड राइटिंग, तुम्हारी हैंड राइटिंग, किसी और की हैंड राइटिंग, तुम्हारे टीचर की हैंड राइटिंग, पापा की हैंड राइटिंग, तो सभी लोग एक ही अक्षर को थोड़ा सा अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं ना, चाहे वो अ हो, है ना। जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पर क ऐसे लिखता हूँ, कोई दूसरा स्टूडेंट इसे ऐसे भी लिख सकता है ना, कोई इसे ऐसे भी लिख सकता है। तो हो गए ना अक्षर, अक्षरों के अलग अलग रूप। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो बचपन में एक बार बच्चों में कंपटीशन होता था कि हाई हाउ कैन यू राइट ओम, ओम को आप कैसे सुंदर से लिख सकते हैं। ओम आमतौर पर ऐसे लिखते हैं ना। अब कोई कोई बच्चा उसमें ऐसे लिखता था, देखो ऐसे ऐसे करके वो ओम लिखता था। तो हो गए ना तरह तरह के अक्षर, यही बात है। तो आजकल के समय में तो कंप्यूटर की मदद से हम अक्षरों के बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट भी देख सकते हैं, और इन फॉन्ट की मदद से आप बड़े प्यारे प्यारे अक्षर बना सकते हो। बचपन में हम लोगों की इच्छा होती थी कि हम लोग बिल्कुल वैसा कैसे लिख सकते हैं जैसे कि छापे के अक्षर होते हैं, जैसे कि किताबों में छपी होती ब्लॉक लेटर्स। तो बच्चों, दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं, तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। इन सब के मूल में हैं अक्षर। अक्षर नहीं होते तो किताबें कैसे छपती, समाचार पत्र कैसे छपते, आज मैं ये चैप्टर कैसे पढ़ रहा होता, आप अपनी किताबें कैसे पढ़ रहे होते, चाहे कोर्स की किताबें या कॉमिक स्ट्रिप की किताबें, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हाउ कैन वी इमेजिन, यदि आदमी अक्षरों को नहीं जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता, सोच करके देखो कि क्या हाल होता अगर NCERT की ये किताब लिखी नहीं होती, छपी नहीं होती,
तो मैं कैसे ये पढ़ रहा होता, तुम कैसे पढ़ रहे होते, तुम्हारे स्कूल में टीचर इसे कैसे पढ़ा रहे होते, है ना। तो अक्षरों का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, लोगों को अपनी बात दूसरों को बताने को लेकर के, बोल करके, लिख करके, है ना। तो यहाँ पर लिख करके देने वाली बात ज़्यादा है, बोली हुई बात तो बस हमने कहा और सुना, बात खत्म हो गई, मेरे मन में है, तुम्हारे मन में है। लेकिन अगर मैंने बातें लिख करके दी हैं, नोटबुक में हैं, तो वो बरसों तक रह सकती हैं। अगर वो किताबों में छपी हुई हैं तो बरसों तक रह सकती हैं। अगर अगर वो किताब ई बुक के तौर पर, पीडीएफ के तौर पर, डिजिटाइज फॉर्मेट में तुम्हारे लैपटॉप में, पेन ड्राइव में, कंप्यूटर में रखी हैं, तो सोचो इसकी उम्र कितनी बड़ी हो गई, है ना। कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस है अक्षरों का। अच्छा बच्चों, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से इसका एक फेसबुक पेज भी है। तो मैं समय समय पर और आमतौर पर 1 महीने में 12 से 15 वीडियोस डालता हूँ। आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, ट्यूसडे को, फ्राइडे को, संडे को अक्सर मैं वीडियो अपलोड्स करता हूँ। तो इसमें मैंने ना क्लास 3rd से लेकर के क्लास 10 तक के बच्चों के लिए वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, और मैं अभी रोज़ अपलोड करता हूँ। तो आप सबको अपनी पढ़ाई के असिस्टेंस के लिए, हेल्प के लिए ये चैनल बहुत ही यूजफुल है। आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने बैचमेट्स को बताओ। जिन बच्चों ने स्कूल लेट से ज्वाइन किया है, जिन बच्चों का स्कूल में लेक्चर छूट गया है, वो मेरे यूट्यूब चैनल के लेक्चर से काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ने की बात करते हैं। अभी मैंने थोड़ी सी बात की इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में, कि आखिर इस चैप्टर का नाम क्या है। बड़ा प्यारा नाम है, अक्षरों का महत्व, इम्पोर्टेंस, आप कह लो सिग्निफिकेंस ऑफ लेटर्स, है ना। तो कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अनादिकाल, आदिकाल, अनादिकाल मतलब पता ही नहीं कब से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है क्या, ऐसा भी सोच सकते हो। आप देखो यहाँ पर एक तस्वीर दिख रही है इस चैप्टर में, जिसमें मुझे लगता है कि ये आदि मानव हैं, और ये जिन गुफाओं में रहते थे उस गुफाओं पर ये चित्र बना रहे हैं। एक यहाँ पर ये जो चित्र बना है, लगता है जैसे कि ये किसी शिकार का सीन है। यहाँ पर ये लगता है इसने धनुष खींच रखा है। यहाँ पर मुझे लगता है ये हिरन हो सकता है, ऐसा कुछ लाइक दिस। तो लोग चित्र किन चीज़ों का बनाते हैं? चित्र बनाना का मतलब क्या है? एक्सप्रेस करना, मन के भाव को एक्सप्रेस करना, अपने अनुभव को एक्सप्रेस करना। कविता लिखना, चित्र लिखना, चित्र बनाना, कहानी लिखना, ये सब तो ऐसे ही चीज़ें हैं ना। अब यहाँ पर देखो, आपको कुछ और भी अक्षर नजर आएंगे। ये एक शिकार का दृश्य है, ये हमारे मध्य भारत में कहीं किसी गुफा में लोगों को दिखा है। हैं? आप देखो ये सारे लोग, जैसे यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पे, इन सब के हाथों में लगता है जैसे कि कोई हथियार है, और ये कोई जानवर है जिसका पीछा कर रहे हैं, ये शिकार कर रहे हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में, जब से इतिहास लिखा गया है, लोगों को पढ़ना लिखना आया है, उससे पहले के समय में भी लोगों ने चित्र बनाए, चित्रों के जरिए अपनी भावना को, अपने अनुभव को एक्सप्रेस करने की कोशिश की, ये दिख रहा है इसमें। अच्छा, तो पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे भाई। सोचना तो मनुष्यों ने तब से शुरू कर दिया होगा ना, जब से उनके मन में, मतलब ये दिमाग है, अगर दिमाग है तो हम लोग सोचेंगे ही सोचेंगे। मेरा कंप्यूटर कैसे सोचता है? कंप्यूटर हैज ऑल्सो गॉट इट्स ब्रेन, उसके ब्रेन का नाम होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जितने भी जीव हैं उन सब में बुद्धि होती है, मस्तिष्क होता है, भले छोटा से छोटा हो। तो पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, मतलब हमारे बुजुर्गों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने, पूर्वजों ने। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। सोचो अभी से 500 साल के बाद में, 1000 ईयर्स के बाद में जो बच्चे होंगे वो ऐसा सोच सकते हैं ना कि कंप्यूटर्स की खोज, मोबाइल की खोज भगवान ने की है।
लेकिन आप हम आज के समय में जो जी रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि मोबाइल का, कंप्यूटर का, इन सब का आविष्कार मनुष्यों ने किया है। अभी से 40-50 साल पहले कंप्यूटर्स आए हैं और अभी से 15 से 20 साल पहले मोबाइल्स आए हैं। तो अब तो हम ये भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में और किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। अब ये बोलते बोलते ना मेरे मन में मिलियन और बिलियन वाली बात आ गई थी, तो इसीलिए यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इन इंग्लिश। 5 अरब साल को करो, है ना। मिलियन में क्या कहेंगे, बिलियन में क्या कहेंगे। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे, तो मतलब इस पृथ्वी के उद्भव होने के बाद में 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। हवाएं थी, पानी रहा होगा शायद, ज्वालामुखी रहा होगा शायद, पर्वत मिट रहे होंगे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर रहा। सिर्फ जानवर और वनस्पति, मतलब जंगल, पेड़ पौधे। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया है और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। तो समझ लो कि इस धरती पर जानवर और वनस्पति, पेड़ पौधे बहुत सालों से रहे हैं। हमारी मनुष्यों के उद्भव होने से, मनुष्यों के जन्म होने से काफी साल पहले से, कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगा, फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। तो इस तरीके से मनुष्यों का धीरे धीरे विकास हुआ होगा। प्रागैतिहासिक मानव, प्री हिस्टोरिक ह्यूमन्स, है ना। आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जब से इतिहास लिखा जाने लगा है उससे पहले के समय को हम लोग प्रागैतिहासिक कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव की व्यक्त किए, जैसा कि अभी हम लोगों ने थोड़े समय पहले देखा था इसी लेक्चर में, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था, बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह के अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं, ओनली 6,000 ईयर्स, केवल 6,000 साल। तो सोचो ये अक्षर बहुत पुराने नहीं हैं। अगर हम धरती की उम्र की बात करें तो, पौधों की उम्र की बात करें तो, जानवरों की उम्र बात करें तो, और मनुष्यों की उम्र की भी बात करें। यहाँ देखो ये कितने खूबसूरत चित्र बने हैं। ऐसे कुछ चित्र आप कभी उन इलाकों में देख सकते हो जहाँ पर अभी भी मॉडर्नाइजेशन का ज़्यादा असर नहीं हुआ है। लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या जो जंगलों के आसपास में रहते हैं, जो काफ़ी कुछ ट्राइब्स के जैसे रहते हैं, आदिवासियों के जैसे रहते हैं। तो देखो आप क्या क्या तस्वीरें हैं। यहाँ पर एक तस्वीर है, यहाँ पर एक पक्षी का तस्वीर है। ये लगता है वो जो खेतों में होते हैं ना कौओं को भगाने के लिए, उसकी तस्वीर है। इसके बारे में अभी नहीं कह सकते, थोड़ा सा आगे लिखा होगा। ये किसी खिड़की दरवाजे का चित्र हो सकता है। अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि मध्य अमेरिका के ओजिम्बावा आदिवासियों के चित्र। मध्य अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में अभी भी जो आदिवासी रहते हैं जिनका नाम है ओजिम्बावा, वो इस तरह के चित्र बनाते हैं। अब देखो दाएं से बाएं ओर, राइट टू लेफ्ट, ये किन किन चीज़ों के चित्र हैं। ये तूफान का देवता है जो सारे आकाश को घिरता है। ये नगाड़ा है जिसे बजाया जाता है, बड़ा सा ढोल। अच्छा, और ये पंखों से सुशोभित नगाड़ा, ऐसा नगाड़ा जिसमें कि पंख लगे हुए हैं। ये है द्रोण काक। द्रोण काक मैंने कहा ना, वही जो खेतों में हम लगाते हैं चिड़िया को, कौओं को भगाने के लिए, ताकि वो खेतों की फसल को नुकसान न पहुंचाएं। और ये कौआ है और ये दवा खाने में आदमी है, मतलब एक मरीज है जो दवा खाने में, मेडिसिन सेंटर में, डिस्पेंसरी में गया हुआ अपना इलाज कराने के लिए। तो इस तरह के चित्र अभी भी ये आदिवासी बनाते हैं जिनका नाम है ओजिम्बावा, और ये सेंट्रल अमेरिका में अभी भी मिलते हैं।
तो अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। कैसे? आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख करके रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा, जेंटलमैन। तो सभ्य मानव की बातें कब से होती हैं? जब से मनुष्य अपने विचारों को, अपनी बातों को, अपने हिसाब किताब को लिख करके रखने लगा। तो आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तभी से इतिहास शुरू हुआ। इतिहास का मतलब ही होता है लिखी हुई बातें, जो उन समय की, उस समय की, जो समय हमारे ज़िंदगी में बीत चुका है। तो किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। इतिहास के पहले का काल मतलब जब मनुष्य को लिखना नहीं आता था, उसके पास में कोई अक्षर नहीं था। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह नहीं जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन से राजा हुए, वो कब उनका जन्म हुआ और कितने सालों तक उन्होंने काम किया, और उन्होंने अपने राजकाज के समय में कौन कौन से बड़े काम किए, किस किस के साथ में उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। इस तरह की बातें हम लोग नहीं जान पाते अगर लोगों को अक्षर ज्ञान नहीं होता और उन्होंने लिख करके नहीं रखा होता। तो अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख करके रखने लगा, अपने ज्ञान को, अपनी जानकारी को लिख करके रखने लगा। और जब उसके पास में लिख करके रखने की फैसिलिटी हो गई तो उस ज्ञान को, उस नॉलेज को काफ़ी सारे दूसरे लोग भी एक्सेस कर सकते थे, पढ़ सकते थे। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी, है ना। नहीं तो अगर अक्षर नहीं होते तो क्या होता कि हर दूसरी पीढ़ी को, हर अगली पीढ़ी को वो सारी बातें कर करके या पूछ करके, अपनी पिछली पीढ़ी के या बड़े बुजुर्गों से बोल करके, बातें करके सीखनी होती। और बोल करके बातें करने में कुछ बातें छूट सकती हैं, कुछ बातें व्यक्ति भूल सकता है, लेकिन लिख करके रखने का यह फ़ायदा है कि बातें लिखी रहती हैं, आप सारी बातों को देख सकते हो, जो कुछ भी आप चाहते हो वो सारी बातें आप बता सकते हो। ऑल द स्टेप्स यू कैन राइट इट डाउन। सो अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। मनुष्य धरती पर 5 करोड़ साल से हैं, ऐसा हम लोगों ने कहा था ना। रुक जाओ, अभी अभी बताता हूँ मैं कि हम लोगों ने क्या कहा था कि मनुष्य इस धरती पर कितने करोड़ साल से हैं। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। तो मनुष्य इस धरती पर कितने समय से हैं? 5 लाख साल से, है ना। और मनुष्य इस धरती पर हैं 5 लाख साल से, और इन अक्षरों का विकास कितने साल पहले हुआ है? 6000 साल पहले। और जब से अक्षरों की खोज हुई उसके बाद से, जब से अक्षरों की खोज हुई उसके बाद से मनुष्य जाति का बहुत तेजी से विकास हुआ। तो ये महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। लिपि किसे कहते हैं हम लोग? लिपि का मतलब है स्क्रिप्ट। जैसे अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है दैट इज़ रोमन लिपि, है ना। हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा की लिपि है वो देवनागरी लिपि है। बांग्ला की लिपि अलग है। पंजाबी की लिपि वो गुरुमुखी है। अरबी भाषा की लिपि अलग है, है ना। तो हम लोगों को सारे अक्षरों की कहानी पता होना चाहिए, मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, ये जानना जरूरी भी है। तो अब हम लोग इस चैप्टर के आखिरी हिस्से में पहुँच चुके हैं। जरा देखते हैं इसमें कुछ और भी। ये देखो, जब हम लोग लिपि की बात करते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। एक ही बात है, क्या शानदार दिन है, इसे हिंदी में लिखा गया, हिंदी भाषा में, देवनागरी लिपि में। इसी बात को देखो उर्दू की लिपि में, उर्दू के स्क्रिप्ट में कैसे लिखा गया है, बांग्ला के स्क्रिप्ट में कैसे लिखा गया है, तमिल के
स्क्रिप्ट में कैसा लिखा गया है, तेलुगु में कैसे लिखा गया है, उड़िया में कैसे लिखा गया है और पंजाबी गुरुमुखी में कैसे लिखा गया है। एंड हाउ वी विल राइट दिस मैटर, क्या शानदार दिन है, इन इंग्लिश इन रोमन लिपि, तो हम लोग कहेंगे व्हाट ए फैंटास्टिक डे, ऐसा कहेंगे हम लोग, फैंटास्टिक शानदार। TIC, व्हाट ए फैंटास्टिक डे, और इसके साथ में एक्सक्लामेशन का मार्क भी लगाएंगे, व्हाट ए फैंटास्टिक डे। तो ये मैंने लिखा इंग्लिश में रोमन लिपि में, तो है ना ये कहानी मज़ेदार, अक्षरों की कहानी। तो सोचो जिन बच्चों को खोज करने में, डिस्कवरी में रुचि है, हाँ वो कहीं भी जाएंगे, वहाँ की भाषा की बातें सुनेंगे, वहाँ की किताबें देखेंगे, उन अक्षरों के बारे में सोचेंगे, कितना मज़ेदार होगा ये, है ना, खोज करना कि आखिर ये अक्षर कैसे बनाए गए होंगे। और सपोज करो कि कहीं पर आप जाते हो बीइंग एक्सप्लोरर, बीइंग एन एक्सप्लोरर, और वहाँ पर आपको किसी पुरानी सभ्यता के बारे में पता चलता है, उस समय के बर्तन मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, आभूषण मिलते हैं, है ना, इंस्ट्रूमेंट्स औजार मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं, है ना, और वहीं पर आपको लिखे हुए अक्षर भी मिलते हैं। तो ये अक्षर पढ़ करके ही तो उस समय के बारे में आप जान पाओगे, किसी ने अपनी डायरी लिखी होगी, किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया होगा, या किसी ने कोई कहानी लिखी होगी, तो आप कैसे जान सकोगे अगर आप इन अक्षरों को नहीं जानोगे। तो अक्षरों को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों इसके साथ ही आज का ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, जिसका नाम था अक्षरों का महत्व। इसके लेखक का नाम है गुणाकर मूले, और जैसा कि मैंने कहा कि मैं गुणाकर मूले जी के बारे में कुछ और भी डिटेल्स इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में थोड़े समय में शेयर करूंगा। तो आप सब बच्चों से एक बार फिर से ये कहना है कि आप मेरे चैनल न्यू एज कोचिंग इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस पर आपको आपकी पढ़ाई से, पढ़ाई में मदद पहुँचाने वाले, हेल्प करने वाले, गाइड करने वाले और बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर्स आल्सो, और आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और मेरे लेक्चर जो हैं वो पूरे डिटेल लेक्चर्स हैं, आपको ऐसा फील होगा जैसे आपके टीचर आपके सामने बैठ करके आपकी टेक्स्ट बुक को पढ़ा रहे हैं। मैं टेक्स्ट बुक को इसलिए ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि टेक्स्ट बुक की ईच एंड एवरी लाइन का पढ़ा जाना बहुत ज़रूरी है आजकल के समय में, जब एग्जामिनेशन के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, है ना। तो बच्चों हम लोग जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर में, नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए, है ना, आने वाले उत्सव के समय में, फेस्टिवल्स के समय में, उत्सव के साथ साथ पढ़ाई का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि ये फेस्टिवल का सीजन है, उसके बाद में एग्जामिनेशन के सीजन शुरू होते हैं। तो टेक केयर, हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।